नमस्कार दगड़ियों, आप लोग भी सोचना होला दगड़ियों कि इतना टाइम बीट की वीडियो के लिए नहीं आनी होली, क्या बात वे होली। कुछ लोग अच्छे सोचना होला, कुछ लोग बुरो भी सोचना होला, पर दगड़ियों क्या कहना, बात ये नहीं गया हमारा दगड़ी कि मतलब हम क्या कह सकता। दगड़ियों जो चीज़ में आप सभी तेने बताना चाहता हूँ वकी वीडियो नहीं ची, वकी स्टोरी नहीं ची, की स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं ची, ये बिल्कुल सच्ची बात है दगड़ियों। और हमारे आप भी थी जो कि मेरे मन बुनू छो कि आप सभी दगड़ी शेयर करे जा, किले कि बिना बताया भी रह नहीं सकूँ छो दगड़ियों, किले कि आप लोग भी हमारे फैमिली छा। और हम तो उम्मीद छी कि आप लोग भी हमार परेशानी तना समझला और हमार मुसीबत तना भी समझला। और जन कि मैंने हमेशा आप सभी दगड़ हर चीज़ शेयर करी, तो मेरे फ़र्ज बन दो कि ये चीज़ भी आप दगड़ शेयर करे जा, शायद मेरे मन को बहुत ज़रा सी हल्को भेजा, ज़रा मन शांत भेजा। तो दगड़ों बात इन ची कि 15-20 दिन बेटी वीडियो इले नहीं आने चाहिए कि लेकिन हमारे दगड़ी बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई, मतलब मैं तो समझ में नहीं आनी कब बीटी शुरू कर। जन कि मैंने आप सभी तेने 16 तारीख बताया छो कि घर में परेशानी होनी चाहिए, लेकिन 3-4 दिन बीट वीडियो नहीं आनी चाहिए। तो वह बढ़ते दगड़े मेरे जो माता जी छी उनकी तबियत खराब हुई छे, हॉस्पिटल में एडमिट छा, कुछ इन्फेक्शन वगैरह निकली उनकी, मतलब टेस्ट उस कराया हमने, तो मतलब ठीक है कण रिकवर है कण घर है गए छाई। तो मैंने 16 तारीख जो वीडियो बनाया चाहिए, मैंने बोल छो कि अब आप सभी का बीच में रेगुलर बेसिस पर वीडियो आ ली, लेकिन दगड़ियों भगवान तो शायद कुछ और ही मंजूर छो। 16 तारीख जनी मेरी माता जी घर आए ना ठीक हुए कण, उन्हीं अगले दिन 17 तारीख हम तो पता लगी जो मेरे भाजी छन उनकी बेटी ची, जो कि मात्र अभी 2 साल भी नहीं हुए छाई, वह हॉस्पिटल में एडमिट हुई ची, मतलब 16 तारीख रात 12:30 बजे बल मैं तेना एडमिट कराई। और जनी हम सुन 17 तारीख तो हम लोग अगले दिन सुबह हॉस्पिटल पहुँच गया। तो दगड़ियों बात सिर्फ इतों की नहीं ची कि वह हॉस्पिटल में एडमिट छाई, बात यह ची कि विंक हालत बहुत सीरियस छाई, मतलब दिमाग में इतना बुखार चढ़ के छो कि बुखार उतना नौ ही नहीं लेना चाहिए, ऑक्सीजन पर बचे नहीं चाहिए, मतलब मशीन अलग लगाई छे, ऑक्सीजन मशीन अलग लगाई छे, बाकी ग्लूकोज वगैरह दवाई वगैरह भी चनी लगाया चाहिए। 16 तारीख बेटी 3 दिन तक मतलब वह बेहोशी चाहिए, कि लेकिन मैं रीढ़ की हड्डी मान पान निकाली कर टेस्ट करी तो पता लगी कि दिमाग में बल इन्फेक्शन छ। तो दगड़ियों वे का बाद जो इन्फेक्शन निकली वे के बाद ट्रीटमेंट चनू छोई, और 4th-5th दिन में तना जरा सी होश भी आई, तो हम तो लगी शायद वह ठीक हो जाली रिकवर हो जाली, लेकिन भगवान तो शायद कुछ और ही मंजूर छो। वे के बाद जनवी तो होश आई, वह रूणी छाई, मतलब हम तो पेचड़ ही नहीं छे लेकिन रूणी छे छाई, तो हम तो लगी वह ठीक हो जाली। लेकिन दगड़ियों 5वें दिन अगले दिन मतलब 4 दिन बाद इतना बाद 5वें दिन विंग बिल्कुल हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई छाई, तने दौरा पूर्ण बढ़ गए छाई, मतलब बुखार असर में इतना चढ़ी छो, इतना इन्फेक्शन फैल गए छो कि दौरा पूर्ण बढ़ गए छाई, वहाँ सेंस में नहीं छाई क्या तो पहचाने नहीं छाई। तो वे एक बार डॉक्टर ने तने वेंटिलेशन मशीन में डाल दिया कि लेकिन धड़कन भी बहुत कम हो गई छाई, दगड़े सांस लेने मुश्किल हो गए छो। तो मतलब हम लोग इतना डर गए छाई, बहुत डर गए छाई, कि लेकिन वेंटिलेशन आप लोग समझ सकते लास्ट स्टेज होंगी और बहुत डर लगनी चाहिए कि अब क्या हूँ दो, पर फिर भी झगड़ों का किनारा की एक उम्मीद है कि वह ठीक हो जाली, लेकिन भगवान तो शायद कुछ और ही मंजूर छोई। और 4 दिन तक वेंटिलेशन में रहना बाद 22 तारीख भी ना फिर आखिरी सांस ले आई, और 22 तारीख दगड़े वो हम सभी तना छोड़ी चल गया आई, मात्र 2 साल भी नहीं छे। अगले महीना 15 तारीख अक्टूबर को जन्मदिन छो 15 तारीख, और 15 तारीख दिन 2 साल होनी चाहिए, पर वे से पहले वह हमारे साथ छोड़ी चल गया आई। तो दगड़ियों 16 तारीख बेटी हॉस्पिटल में रहना बाद 22 तारीख की आखिरी सांस लेनी, और घर में आप समझ सकता क्या माहौल हो सक दो, बहुत लोग हम लोग बहुत टेंशन में छाई, बहुत दिक्कत होनी चाहिए कि लेकिन बहुत छोटी बची छेवा, और भगवान ने इतना जल्दी था फिर पास बोले दिया, तो सब उतने बहुत ही दुख आई। तो दगड़ियों यही सब छो जो कि मेरे मन में छो कि आप सभी तो बताना चाहिए, पर कभी ना कभी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि लेकिन बहुत दुख छो। और शायद आज जरा मेरे मनो बहुत जो छो हल्को हो जाए, कि लेकिन मैंने ये चीज़ आप सभी दगड़ शेयर करे ली, कि लेकिन आप लोग भी तो बताने भी जरूरी छो, कि लेकिन आप लोग हमारे फैमिली छे और आप लोग हमेशा हमारे वीडियो वेट करना रहेंगे ने, तो ईद का दिन भी वीडियो दगड़ो इले ही नहीं आई, कि लेकिन आप लोग समझ सकता कुछ भी करना मन नहीं छो, कुछ वीडियो बनाना भी मन नहीं छो। फाइनली आज मैंने बहुत हिम्मत कैरी करो या वीडियो बनाना छो आप सभी को, तो दगड़ो आप लोग भी प्रार्थना करें कि वह जग भी होली भगवान पास, जग भी लिए होली भगवान ने तने खुश रखना, मैं कात में तने शांति दिया ना, ये प्रार्थना करता।
बाकी दगड़ियों में कोशिश कर लो कि आप सभी का बीच में अगर कुछ वीडियो लाने की हिम्मत कैरी करें, किले की दुख बहुत बड़े थे दगड़ियों जो कि कभी भी नहीं मिटी सकूँ, पर फिर भी कोशिश कर लो दगड़ियों। डेली बेसिस पर अगर वीडियो नहीं भी आली तो की बात नहीं चे, आप लोग नाराज़ नहीं हैं, बुरे नहीं मने आने, बल्कि आप लोगों को सपोर्ट और प्यार रखने का और ज़्यादा जरूरत है अब, किले की भीतर भी बिल्कुल टूट गया दगड़ियों, आप समझ सकते हैं किले की हालत बिल्कुल ख़राब है, पर मैं कोशिश कर लूँ कि दो दिन गैप बीच या तीन दिन गैप बीच में बाद आप सभी का बीच में वीडियो आने राली। किले की दगड़ियों जो हूँ छो तो है गया ही, पर बोल देना कि जिंदगी तो इंसान अच्छा नहीं रही अगर इंसान तो काम भी कन पोड़ दो सब चीज़ कन पोड़ दो, तो दगड़ियों आप और हमारे साथ ही नहीं बनी रहा लगने, मैं उम्मीद कर दो तो आप लोगों का फिर प्यार और सपोर्ट बढ़े घटा ख्या है। 15-20 दिन भी दगड़ियों की वीडियो नहीं आई थी, लेकिन मेरी यूट्यूब चैनल बिल्कुल डाउन हो गया ही, आप समझ सकता है, पर मैं तो खैर कोई गम नहीं छुआ को कि लेकिन वहाँ से ज़्यादा बड़ो दुख तो हमको नहीं छुआई कि हम ना फिर छोटी सी बची तने खोए दिया है ना, तो बाकी वे चालू धीरे धीरे सब चीज़ ठीक दगड़ियों, बाकी आप लोग बस प्यार और सपोर्ट बढ़े घटा ख्या ना यू चाह दो, तो दगड़ियों बस इतना ही बोल सकते हो, बाकी आप लोग हमेशा मेरे साथ दिन रहने ये कामना करता हूँ। धन्यवाद दगड़ियों।